हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है इसरो की तरफ से। यहाँ पे डिप्लोमा और आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। अब देखेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये डेट कल 19 तारीख को ये रिलीज किया गया एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पर मैकेनिकल की देखें तो डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट है। और बेंगलुरु में और वेलीमाला में अलग अलग पोस्ट है। और ये 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास, मतलब 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है। इसके अलावा आईटीआई के लिए वेल्डर में भी है एक पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, टर्नर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिटर में, मशीनिस्ट में, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए क्लास में इसमें है। तो ये सारी अलग अलग तरह की पोस्ट है। एक बार पोस्ट कोड देख लीजिए ताकि आपको पता लग सके किस पोस्ट के लिए हमें क्या क्या देखना है। तो हमारा अगर स्टूडेंट्स मेरे प्यारे मैकेनिकल के बच्चे हैं तो 773 कोड है हमारा पोस्ट कोड जो है वो आपको याद रखना है। देखिए, इसके लिए आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। अब रिटर्न एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं, इस तरह के किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ऑल इन वन AJEE कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों करवाया जाता है। इसमें आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, मेरे साथ सीधा पढ़ सकते हैं लाइव, ताकि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और इसकी डिटेल देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमें स्पेशल है देखने के लिए, वो सारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट देखेंगे, मैक्सिमम एज जो है वो है 35 साल। और अगर आप देखेंगे 773 कोड के लिए, आप अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 11/9/1989 तो 1999 तो आप देखें उससे बाद आपका जन्म हुआ हो तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते, उससे पहले नहीं। ओके, इसी तरह आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 11/9/1986 के में, और अगर आप देखेंगे एससी और एसटी कैटेगरी के लिए तो 11/9/1984 में, तो उससे पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। ओके, और ये देखेंगे तो हमारे पास जो पोस्ट है वो दो अलग अलग जगह की, लेकिन कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे 773 कोर्स से लेकर 780 तक तो रिटर्न एग्जाम है और स्किल टेस्ट है। देखिए, स्किल टेस्ट नॉर्मली जो होता है वो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन डिप्लोमा में भी मांगा गया है तो यहाँ पे भी स्किल टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो रिटर्न टेस्ट जो है 90 मिनट का होगा और 80 मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन होंगे, और नेगेटिव मार्किंग जो है 0.33 मतलब 1/3 जो है वो आपका कट होगा रॉन्ग आंसर के लिए, तो जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। और स्किल टेस्ट के लिए आपको 1:5 की रेशो में आपसे मंगवाया, आपको बुलाया जाएगा, और जो है आगे जो भी कैंडिडेट होंगे वो पास करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं हमारे पास ये अगर आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए किस तरह का एग्जाम आने वाला है वो यहाँ पर। और इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं आप पीडीएफ को, तो सीधा लिखिए, देखिए हमारे डाउनलोड पे कोई विश्वास मत कीजिए, सीधा वेबसाइट पे जाइए, इसरो की वेबसाइट पे जाइए और इसरो की वेबसाइट से आप सीधा डाउनलोड इसको कर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने वाला है 27 तारीख से, तो अभी नहीं स्टार्ट हो रहा, 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 10 सितंबर तक आपको इसको फॉर्म को फिल करना है। इनिशियली जो है सारे के सारे बच्चों को 750 रुपये पे करने पड़ेंगे, 750 रुपीज पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कैंडिडेट हैं फीमेल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी या एक सर्विसमैन, तो आपको पूरी फीस जो है रिफंड की जाएगी। और अगर आप बाकी के अदर आपकी है जो कैटेगरी, तो आपको 500 रुपये रिफंड किए जाएंगे, तो 250 रुपये फीस लगा लीजिए, आपकी फीस 250 रुपये है। जस्ट आपको ये है कि कोई भी ऐसी ना फॉर्म फिल कर ले, इसलिए ये है कि आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम देंगे तो आपको फीस जो है वापस कर दी जाएगी 500 रुपये। ओके, तो ये है डिटेल। अगर आप और डिटेल लेना चाहते हैं तो आप एक बार वेबसाइट जरूर देखिए इसरो की, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, इस तरह की अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। अगर आप कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर करना चाहते हैं, तो मैं आज ही कहूँगा आपको ज्वाइन करें इस कोर्स को, ताकि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सामने आपको ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जो डाउन